दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जालंधर के साईंदा स्कूल ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी ने वराह अवतार की कथा सुनाई। इस दौरान मुख्य जवानों में श्री देवी तला मंदिर के महासचिव राजेश विज, डिप्टी कमिश्नर जालंधर हिमांशु अग्रवाल शामिल रहे। इनके अलावा नीलम जैन, कुलभूषण जैन, विनोद जैन, सुतीक्षण सैमोल, पवन कुमार मंडी खन्ना, चंदन नागराल, एस गुरिंदर सिंह, दर्शन भल्ला, श्री पांडे, अरुण भूपेंद्र, साहिल वर्मानी जैसे गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम का समापन भक्तिमय वातावरण में हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जाते हैं और मंडन मिश्र, उनकी पत्नी है उभया भारती, जो परम विदुषी नारी है, जो शास्त्रार्थ की जज बनी, निर्णायिका बनी थी, जिसने निर्णय किया था कि आदि शंकराचार्य ही इस शास्त्रार्थ में वाद विद्या में विजयी हो गए हैं। तो कहते हैं जब वो वहां पहुंचे तो आदि शंकराचार्य जी जब पहुंचे तो उनको भिक्षा दी जाने लगी। तो आदि शंकराचार्य जी ने यही कहा था कि मैं अन्न की भिक्षा लेने नहीं आया हूँ मंडन मिश्र जी, मैं यहाँ वाद की भिक्षा लेने आया हूँ, यानी कि मैं आपसे वाद विद्या करने आया हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। दोनों का आमना सामना हुआ और कहते जो मंडन मिश्र थे वो साधारण महापुरुष नहीं थे, उनके पास पूरे विश्व से विद्यार्थी मीमांसा ज्ञान जानने के लिए आते थे, शास्त्रों को पढ़ने आते थे, उन्हें ब्रह्मा का अवतार कहते थे और इधर आदि शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार कहा जाता था। ऐसा शास्त्रार्थ लगभग 8 दिनों तक निरंतर चला और शंकराचार्य उसमें विजय हुए। शर्त यही थी जो हारेगा, अगर शंकराचार्य जी हारे तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे संन्यास त्याग कर, अगर मंडन मिश्र हार गए, पराभूत हो गए, तो वह क्या करेंगे, वो गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे। और वो बन गए फिर उनके शिष्य, जिनका नाम रखा गया सुरेश्वराचार्य, और उनकी बड़ी कथाएं, उन्होंने अपने गुरु की फिर बड़ी आराधना की, बड़ी गुरु भक्ति की आदि शंकराचार्य जी की। मुझे कहते मैंने बड़ा दुख होता और उस व्यक्ति की कलाई पकड़कर मैं उसे कैलेंडर के पास ले जाता और कैलेंडर के नीचे एक लाइन लिखी थी, पंक्ति, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि इसे पढ़ो, ये लिखा है कि भारत का जो इसरो संस्थान है उनकी रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमने ये सैटेलाइट के द्वारा हमें ये चित्र उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, हम इसरो का धन्यवाद करते हैं। और अब्दुल कलाम जी कहते फिर उस व्यक्ति की बोलती बंद हो जाती। एक बार ताली तो लगाइए अपने इसरो के लिए भैया, देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम लोग आज के समय में ना, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या करके दिखा दिया और कितने चीप रेट में और कितनी सस्ते रेट में लॉन्च करके दिखा दिए रॉकेट्स, जो दुनिया आज तक नहीं कर पाई है। तो वो भारतीय लोग उस विज्ञान की और ज्ञान की ओर बढ़े जिसके बारे में मैथिली शरण जी ने ये बात लिखी कि हमने संसार को पहले ज्ञान विद्या दान दी, हमने सारे संसार को ज्ञान दिया था, किस चीज का, आचार का, व्यापार का, व्यवहार का और विज्ञान का। आज साइंस की बात करते हैं, हम कहते हैं वाह जी वाह क्या क्या खोज कर ली वैज्ञानिकों ने, अरे भाई हमारे ऋषि भी कम वैज्ञानिक नहीं थे, हमने ही विज्ञान दिया है पूरी दुनिया को। कुछ लोग ताली लगा रहे थे ऋषियों के नाम पर, खुले से लगा लीजिए, उधर से लगा रहे थे, हमने देखा हमारे ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नमस्कार, मंथन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रोजेक्ट है जिसमें समाज के वंचित बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा पाए उनको हम ना केवल क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये आपको वही बच्चे मिलेंगे जो कभी आपने भीख मांगते देखा होगा या किसी ना किसी दुकान में काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, पंजाब में लुधियाना सिटी में हमारे 4 स्कूल हैं, वहाँ आइए और बच्चों को उत्साह बढ़ाइए। और आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आप सहयोग कर सकते हो तो प्लीज़ आप सहयोग करना ताकि बच्चे और से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, और हम आपको साथ साथ इनके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे ताकि आपको पता चले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो आप सबसे निवेदन है प्लीज आना। बिल्कुल, आज जलंधर शहर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, आज दूसरा दिन था और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जितने भी हमारे शहर के वासी हैं
और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स की टीम है, स्वामी जी हैं, इनकी टीम है, इनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और मैंने उनके सामने बीच में बैठ के ये कथा भी सुनी है और कथावाचक जो साध्वी जी हैं उनका आशीर्वाद भी लिया। बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जब हम कथाएं करवाते हैं तो हमारा जो सभ्याचार है, हमारे पुराण हैं, हमारी कथाएं हैं, उनसे लोगों को और यूथ को जोड़ते हैं। और जब यूथ को हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में पता लगता है तो आजकल के जो माहौल में कुछ इस तरह की कुरीतियाँ जो उनको घेर रही हैं उससे भी उनका बचाव हो पाता है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपने सभ्याचार, अपने कल्चर से किसी भी तरह से, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे वाणी के माध्यम से, हमें जुड़ना चाहिए। और यूथ को मेरा यही मैसेज है कि सभी सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर समाज की सेवा में इन तरीकों से जुड़ना चाहिए, चाहे वो खेल के माध्यम से, चाहे हम अपने समाज में अच्छाइयों को विस्तार करवा के इस तरह से हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी का और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर इस कथा वाणी को सुन सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्णा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आप सभी के सहयोग से जालंधर शहर में 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन साईंदा स्कूल ग्राउंड में शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चल रहा है और बहुत ही शहरवासियों का दिल खोलकर सहयोग मिल रहा है। सभी दूर दूर क्षेत्रों से शहरवासी, शहर के साथ में जितने भी क्षेत्र हैं, दूर दूर से लोग भागवत कथा को श्रवण करने के लिए प्रभु भक्त पहुंच रहे हैं और कथा का आज दूसरा दिन है। कथा व्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी, जो कि विश्व विख्यात भागवताचार्य हैं, उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी के उन रहस्यों को उद्घाटित किया जा रहा है जो मानव समाज के लिए आज तक भी पहेली बने हुए हैं। बहुत ही सरलता से, वैज्ञानिकता से, बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंगों को, भजनों का जो गायन है संत मंडली कर रही है। तो आप ज़रूर आएं और अपनी समस्याओं के आपको यहाँ समाधान मिलेंगे। और यह जो कथा है यह समर्पित है जो संस्थान द्वारा सामाजिक प्रकल्प चलाया जा रहा है मंथन। मंथन के अंतर्गत संस्थान गरीब बच्चों, जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, स्लम एरियाज के बच्चे हैं, वो एजुकेट हों, वो शिक्षित हों, उसके लिए संस्थान स्कूल खोलता है और बहुत सारे स्कूल हमने खोले हुए हैं और बहुत सारे स्कूल हम आने वाले समय में भी खोलेंगे। तो ये जो मंथन प्रकल्प है, इस प्रकल्प को समर्पित है यह श्रीमद् भागवत कथा। और इसमें जो परिवार होते हैं वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और वो बच्चे अनपढ़ रूपी अज्ञानता से बच जाते हैं और शिक्षा के ज्ञान रूपी दीपक से उनके हृदय जल जाते हैं। तो आप ज़रूर इसमें भी सहयोग करें और कथा में भी अवश्य पहुँचें। बच्चों को लेकर आएं, युवाओं को लेकर आएं। यह केवल मिथ्या धारणा आज तोड़ने की आवश्यकता है कि यूथ के लिए कथा नहीं है, अध्यात्म यूथ के लिए नहीं है। प्रभु श्री राम युवा हैं, श्री कृष्ण युवा हैं, विवेकानंद युवा हैं, प्रहलाद युवा हैं, सभी युवा हैं और सभी युवा थे जो इस भक्ति मार्ग पर चले। आप युवा भी आइए, परिवार भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गोविंद, जय गोपाल।